राम राम, जय हिंद। देखो, ये मेरा कंटेंट क्रिएशन का एक तरीके से बिजनेस है, पर्सनल ट्रेनिंग का मेरा बिजनेस है। हम सीधा बता दें, मेरा ये बिजनेस है, लेकिन तुम लोगों के लिए बिजनेस नहीं है, तुम लोगों के लिए इस पे लाइफ टिकी है। तो जरा कान खोल के जो हम बता रहे हैं, बहुत ध्यान से औकात में सुन लेना, तुम्हारे फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि तो जितने लोग भी वीडियो बना रहे हैं, अगर डायरेक्ट वो व्यूज से नहीं कमा रहे हैं, पर्सनल ट्रेनिंग से कमा रहे होंगे, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से उनके पास पैसा आ रहा है, ठीक है? तुम लोग जब रनिंग की तैयारी करते हो तो हमने देखा है और हमें बड़ा खराब लगता है कि लोग दो दो टाइम, तीन तीन टाइम तक रनिंग कर रहे हैं। फिटनेस को मेंटेन रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी लाइफ फिटनेस नहीं है। अगर तुम फिट हो, उसका कोई लेना देना नहीं होगा अगर तुमने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है। ये सच बता रहे, कड़वी सच्चाई है। अब दिक्कत क्या होता है, जैसे कोई बॉडी बनाने लगता है तो 24 घंटे बॉडी ही बनाता रहता है, जैसे उसी से पता नहीं क्या हो जाएगा, और तुम इन्फ्लुएंसर भी नहीं बन पाओ, क्योंकि हर आदमी तो ना बन पाएगा। इसलिए हम तुम लोगों से एक चीज़ बता रहे हैं, जितने लोग भी आर्मी की खासकर तैयारी कर रहे हैं, दिन भर दौड़ना बंद करो यार। आर्मी की तैयारी एक टाइम तुम दौड़ के निकाल सकते हो। अब हर एक एकेडमी पे मेरे पास, हम तुम्हें बता रहे हैं, यूपी पुलिस की अगर हम बात करें, कांस्टेबल, एसआई, जितने भी आई थी पोस्ट, हमने मात्र 45 दिन के अंदर सारी रेसें क्लियर करवा के दी हैं। 45 दिन के अंदर सारी रेस क्लियर करा के दी हैं, मात्र 45 दिनों के अंदर। इसलिए तुम लोगों से हम ये समझाते हैं कि यार कभी भी तुम इतनी इस बात को याद रखना कि तीनों टाइम मत रनिंग करने लगा करो, कि सुबह भी जा रहे हो, दोपहर में भी। कुछ लोगों को हमने देखा सुबह 2.5 घंटे, शाम को 2.5 घंटे बने मजदूर लगे पड़े मेहनत करने, क्या जरूरत है यार। एक टाइम अगर तुम रनिंग करते हो, 3 महीने के अंदर आर्मी की रेस क्लियर हो जाती है। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम्हारा अल्टीमेट गोल सिलेक्शन लेना है, उसके लिए पढ़ाई और ज़्यादा जरूरी है। तो रनिंग तो तुम इतने सालों से कर रहे थे, तुम अगर एक टाइम करोगे निकाल ही लोगे, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो। अब दौड़ का मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर दौड़ते रहोगे, कुछ नहीं होना है। तुम दौड़ के बन जाओगे मिल्खा सिंह, आजकल तो नेशनल भी नहीं पहुंचवा रहे लौंडे। कितने लौंडे पड़े हैं जो इतना बढ़िया रेसर है, क्या हो रहा है उनका, खिलिया लगा रहे हैं सब्जी की। इसलिए हम तुम लोगों से समझा रहे हैं कि कभी भी किसी के बहकावे में मत आओ कि मेरी एकेडमी आ जाओ, ये कर लो। हम पर्सनल ट्रेनिंग की बात करते हैं कि हम पर्सनल ट्रेनिंग तुम्हें देंगे, लेकिन उसका प्राइस इतना लो है कि जितने में कम से कम, मतलब क्या ही बताएं, 10 बच्चे ट्रेनिंग कर लें जाके, मतलब जितना वो लोग लेते हैं उतने में हम 10 लोगों को ट्रेनिंग दे दें। तो बस तुम लोगों से इतना समझा रहे हैं ट्रेनिंग, क्योंकि अगर तुम फिजिकल की तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा तीर नहीं मारना होता है, उसके लिए नॉर्मल सा रूटीन फॉलो करके भी रेस निकल जाती है। दिक्कत ये होती है कि तुम लोग सिर्फ रेस पे टिके रहे, तो उसके बाद समस्या ये आती है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता, क्यों, रिटर्न नहीं निकला। तो दोनों में बैलेंस बना के चलो, अगर नौकरी चाहिए सिर्फ रनिंग करने से, वहाँ पे तुम्हें एक्सीलेंट मारने से भी तुमसे कुछ ना हो पड़ेगा, ये सच्चाई है। एक्सेप्ट कर लोगे तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम जिंदगी भर बेरोजगार रहोगे, ये तुम्हारे ऊपर है। और लौंडे वही सिलेक्ट हो रहे हैं जो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, उनको पता है कि रिटर्न भी निकालना पड़ेगा, इसलिए बुद्धि लगाओ। राम राम, जय।